आपकी क्वालिफिकेशन बीकॉम, बीकॉम के बाद ये काम समझ नहीं आई। बस वैसे ही नौकरी। भाईजान ये बताएं काम कैसा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर काम है। अच्छा काम, अच्छा है। काम है। अच्छा ये बताएं कि एक कार्टन ये वाला जो है ये तैयार हुआ कितने रुपए का पड़ता है? तकरीबन 420 रुपए में। अच्छा बिकता कितने का? 520। ये होलसेल में दे रहे हैं या? 520 रुपए होलसेल रेट है। और अगर डायरेक्ट दुकानदार को दे तो? छोटी दुकानदार को जो रिटेलर है उसे 570 रुपए का। 570 रुपए का जी, जबरदस्त है। अच्छा मंथली कितना किसमें बन जाता है? मंथली तकरीबन 1,20,000 1.5 लाख तक। ये नॉर्मल है। ये बेचते कैसे हैं? मार्केटिंग करते हैं लड़के। होलसेल पे दे रहे हैं या किसी एक को? रिटेल करते हैं छोटी दुकान। अच्छा खुद जाके सप्लाई करते हैं? जी खुद सप्लाई करते हैं। जबरदस्त। कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन 4 साल। 4 साल हो गए। वो लोग जो बिजनेस से डरते हैं क्या मशवरा देंगे उनके लिए? मशवरा यही है काम करें इंशाल्लाह। लॉस और प्रॉफिट ये मालिक की देन है, लेकिन जो भी काम आप करेंगे इंशाल्लाह लॉस होगा, आपको प्रॉफिट भी होगा, लेकिन आप दिल ना छोड़ें। अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं अवैस भाई, इनकी फैक्ट्री में मौजूद हूं। माशाल्लाह डिश बार बना रहे हैं, अरसा 5 साल से कामयाबी के साथ चला रहे हैं। काफी तगड़ों के बाद आज ओरिजिनल फार्मूला डिश बार बनाने का, यानी के बर्तन धोने वाले साबुन का ओरिजिनल फार्मूला बनाने का तरीका, मुनाफे की तफसील, रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, हर चीज के बारे में मुकम्मल तफसील से आपको बताने लगा हूं। ये कारोबार ऐसा है जो हर घर की जरूरत है। द पीपल आर नॉट ब्रांड कॉन्शियस अबाउट दिस प्रोडक्ट। लोग इसके बारे में ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, बस दुकान पे जाएं, भाई बर्तन धोने वाला साबुन चाहिए, लेके आ जाते हैं। कंप्लेन नहीं है इसकी, अच्छा कारोबार है। भाई से मिलते हैं, बनाने का तरीका सीखते हैं, बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई जान क्या हाल है? ठीक है। अच्छा ये बताएं सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या डाल दिया जी? सबसे पहले हमने डाला है 25 किलो मार्बल। 25 किलो मार्बल पाउडर। मार्बल पाउडर का तोड़ा कैसा होता है? ये जो है ना ये सारे मार्बल पाउडर है जी? ये मार्बल पाउडर। अच्छा ये सारा का सारा मार्बल पाउडर का स्टॉक पड़ा हुआ है जी। कितना डाल दिया जी? 25 किलो। 25 किलो मार्बल इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद फिर क्या डाला है जी? टालकम पाउडर डाल दिया। टालकम पाउडर इसमें से कौन सा है जी? ये टालकम पाउडर। मार्बल पाउडर और टालकम पाउडर क्या फर्क होता है? ये पाउडर है दो। अच्छा किस्म के अंदर रहता है। अच्छा टालकम पाउडर कितना डाल दिया? टालकम पाउडर डाला है 12.5 किलो। 12.5 किलो टालकम पाउडर डाल दिए। अब क्या डालने लगे हैं? बेंटो। बेंटो इसको कहते हैं जी? जी। अच्छा अपनी जुबान से की कहने सादे अलफाज मिट्टी। केड़ी? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी। अच्छा जी लाओ जी। अच्छा चिकनी मिट्टी जी। फ्री सर। ये किन्नी है भाई जान? ये है गी सर 2.5 किलो। 2.5 किलो। 2.5 किलो चिकनी मिट्टी इसके अंदर डालने लगे हैं। मार्केट में किस नाम से मिलती है? ये बेंटो के नाम। बेंटो के नाम से मिलती है। कितने किलो का तोड़ा होता है? 50 किलो। कितने का मिलता है? 50 किलो। ये है 350 रुपए का। 50 किलो का थोड़ा ये इस टाइम मिल रहा है। अच्छा अब इसके अंदर ये डालने के बाद अब क्या डालेंगे भाईजान? सोडा। सोडा ऐश। खारा सोडा ऐश, यानी कि खारा सोडा डालेंगे। ठीक है ये खारा सोडा अभी हम इसका वेट करने लगे हैं जी। खारा सोडा इसके अंदर कितना डालेंगे? 1 किलो। करें जी वेट करें। ठीक है। अगर खारा सोडा का काम क्या होता है? क्या काम करता है साबुन? खारे सोडे का काम है सफाई करना। सफाई करना। चले जी इसको और क्या नाम है मार्केट का नाम क्या इसका? खारे सोडे का सोडा ही खारा सोडा। खारा सोडा ही कहते हैं। खारा सोडा धोबी सोडा कहते हैं। धोबी सोडा या खारा सोडा। 1 किलो डाल दिया जी। 1 किलो। ठीक है ये 70 kg इस मशीन की कैपेसिटी है मिक्सर की। 70 kg 1 किलो इसके अंदर खारा सोडा डाल दिया गया है जी। लो जी अब क्या डालेंगे जी? पहले मिक्स करना। अच्छा पहले मिक्स करेंगे। मशीन को ऑन करेंगे जी। ढक्कन को बंद कर देंगे क्योंकि ये पाउडर उड़ता है, इसलिए ढक्कन को बंद कर दिया।
मशीन को ऑन कर देंगे। भाई ये सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलती है जी, सिंगल फेज। ये देखे जी घरेलू बिजली सिंगल फेज, ये सिंबल ऑन हो गया जी। ये मिक्सर ऑन कर दिया गया जी और इसकी मिक्सिंग जारी है। थोड़ा सा अगर आपको खोल के दिखाएं तो ये इस तरह से ये मिक्स हो रहा है, क्योंकि हम ढक्कन बंद रखेंगे क्योंकि उड़ता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको मिक्स करेंगे। कितनी देर तक मिक्स करेंगे भाई? करीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट तक मिक्स करेंगे। 10 मिनट के बाद इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम सल्फ्यूनिक एसिड यानी के काला तेल बनाएंगे, जो कि एसिड है, झाग बनाता है, सफाई का काम करता है, वो डालेंगे। अभी 10 मिनट के लिए इसको मिक्स होने देंगे। ये बटन बंद करने के बाद ये देखें जी, अच्छी तरीके से 10 मिनट के बाद जब देखा तो मुकम्मल तौर पे मिक्स हो गया है। सल्फ्यूनिक एसिड डालेंगे, ये टोटल कितने जी? 4 किलो। 4 किलो सल्फ्यूनिक एसिड हम डालेंगे, लेकिन ये 4 किलो इकट्ठा नहीं डालेंगे, तकरीबन 2 किलो डालेंगे पहले जी। इकट्ठा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा। जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं एक ही जगह पे भी नहीं डालना, ताकि थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर डालें, यानी कि 2 किलो सल्फ्यूनिक एसिड और 2 किलो इसके अंदर पानी। पानी क्यों डाल दिया भाई? उसका क्या फायदा होता है पानी डालने का? माल खुश नहीं रहता, माल खुश नहीं रहता। ठीक हो गया, यानी कि 2 किलो पानी, 2 किलो उसके अंदर तेल जी। तो यानी कि असल जो है ना, ये सल्फ्यूनिक एसिड 2 किलो था, 2 किलो पानी डाल के 4 किलो बन गया जी, ऐसे ही है जी। अब इसके अंदर क्या डालेंगे? पहले मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे कितनी देर? करीबन 5 मिनट। 5 मिनट फिर इसको मिक्स करेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे जी। कितनी देर तक इसको फुलाना है इस तरह से? ये तकरीबन 5 मिनट ही मिक्स ही होना है, वैसे होंगे 2-3 मिनट ही रहने देंगे, फिर शुरू हो जाएगा मिक्स करना। अच्छा, यानी कि 2 मिनट ऐसे ही रहने देना इसको, फूलने देना। रिएक्शन हो रहा है सोडे का सल्फ्यूनिक एसिड का। अच्छा अच्छा, यानी कि सोडे को एक्टिव करेगा सल्फ्यूनिक। ठीक हो गया, तो ये अभी इसको फूलने देना है ऐसे ही 2-3 मिनट तकरीबन। 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ही रखना है डालने के बाद, ताकि ये अच्छे तरीके से फूल जाए। 2 से 3 मिनट के बाद इसको रखेंगे, उसके बाद फिर मिक्सिंग शुरू कर दें। मिक्सिंग शुरू होगी तो खुद ब खुद रिएक्शन उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ढक्कन बंद कर दो जी और चला दो जी। ये ढक्कन को बंद कर दिया, दोबारा से ऑन कर देंगे बटन को। ऑन करते ही मशीन दोबारा फिर ऑन हो गई है, ये आपको दिखाएंगे जी। ये फिर से मिक्सिंग इसकी शुरू हो गई है। कितने मिनट मिक्स करेंगे भाई जान? 5 मिनट फिर इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर क्या डालेंगे? फिर काला तेल, फिर दोबारा फिर काला तेल, एक एक किलो करके डालेंगे। एक किलो दोबारा डालेंगे। ठीक, अब फिर दोबारा हमने वेट कर लिया है, 1 किलो सल्फ्यूनिक एसिड और 1 किलो पानी। अब इसके अंदर रंग डाल दिया, कितने ग्राम रंग डाले भाई जान? 10 ग्राम। 10 ग्राम इसके अंदर रंग डाल दिया है। पहले रंग कितना डाला था हमने? पहले भी 10 ग्राम रंग डाला था, यानी कि वो टोटल 4 किलो बना था, उसमें 10 ग्राम और ये 2 किलो इसमें भी 10 ग्राम। ठीक है जी, इस तरह फिर 10 ग्राम रंग डाल दिया। रंग कौन सा सबसे ही? इस रंग का नाम क्या क्या देंगे? बस रंग दे दो साबुन जो बना, जो येलो करना है, जो ये आप कौन सा सबसे है? ठीक है, ये येलो कलर है, इसको कलर को क्या कहते हैं? पैरेट कलर है जी। ठीक है, अब बस इसको हला के फिर डाल देंगे, हलाए जी इसको, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जी। मिक्स करने के बाद इसको बस सिंपल डाल देंगे। जितना ज्यादा कलर अपनी मर्जी से हंस के जरूरत आप डाल सकते हैं, गहरा कलर करना हो, हल्का कलर करना हो, तो अपने हंस में जरूरत अपनी मर्जी से डाल देना। ठीक है, पक्का कलर के लिए क्या करेंगे? पक्का कलर फला दे दे। ठीक है, साबुन के इस्तेमाल के लिए। ठीक है भाई, अब बटन को बंद करेंगे जी। बटन को बंद करने से बस ये मिक्सर को खोला है जी, ये चेक करें जी, ये पहले जो हमने सल्फ्यूनिक एसिड डाला था अच्छे तरीके से हल हो गया है। अब इसके अंदर फिर मजीद 1 किलो सल्फ्यूनिक एसिड डाल देंगे। साथ साथ याद रखें, मशीन की सफाई जरूरी है, ताकि साइडों पे आस पास ये मटेरियल जमे ना। हाँ, अगर ये जम गया
तो फिर यह सही तरह से मिक्स नहीं होगा। लिहाजा मशीन के साथ साथ सफाई करते रहें। पूरी तफसीली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। अगर आपके पास बना रहे हैं, कोई मसला है या सीखना है, इससे तफसीली वीडियो आज से पहले मैंने अपने चैनल पे खास तौर पे बर्तन धोने वाले साबुन की नहीं बनाई। लो जी डालें जी। ये भी थोड़ा थोड़ा जगह बदल के डालते रहें ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए, रिएक्शन कर जाए इसके साथ। यानी कि एक बैच बनने में एक घंटा तो लग जाता है, कम से कम आधा घंटा मस्त है। दोबारा मशीन को ऑन कर दिया, बटन ऑन कर दिया जी। ये बिल्कुल ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, रिएक्शन हो रहा है इसका। अब फिर इसका एक किलो फिर वेट करेंगे जी। इतनी देर में ये मिक्स हुआ है, दिखाए भाई जान, वेट करें। सल्फ्यूनिक डालें इसके अंदर एक किलो, फिर हमने सल्फ्यूनिक इसके अंदर वेट कर लिया तकरीबन, डालें जी। बस इसके अंदर जगह भी मिक्स कर दिया पहले, जगह भी मिक्स, आप सिंपल इसके अंदर डाल देंगे जी। भैया अगर आप चाहें कि झाग अच्छा बने तो इसमें शैम्पू बेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, तकरीबन 300 ग्राम के करीब, लेकिन ज्यादा इसमें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी मशीन ऑन है, मिक्सिंग जारी है, मिक्सिंग हो रहे हैं। माशाल्लाह इन्होंने एक ही जगह पर दो सेटअप लगाए हुए हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी लगाया हुआ है इसी जगह पे, अलग से फैक्ट्री बनाई हुई है। बर्तन धोने वाले साबुन की अलग से फैक्ट्री बनाई हुई है। अब तीसरी जूस की फैक्ट्री भी लगाने जा रहे हैं। तो जी ये तकरीबन मिक्स हो गया, अब इसके अंदर डालेंगे जी। ये इसको साथ साथ स्पीड के साथ डालते जाएंगे ताकि साथ साथ इसकी भी मिक्सिंग होती रहे। ये देख रहे हैं जी, शुरू में रोड़ियां बन रही है लेकिन इसकी मिक्सिंग जारी है, मिक्सिंग हो रही है साथ साथ। अच्छा ये हीट है, रिएक्शन होने से वो हीट हो रही है, लेकिन इतनी बहुत ज्यादा हीट भी नहीं है, नॉर्मल है। कलर आपकी मर्जी है, जैसा मर्जी डाल सकते हैं। कितनी देर मिक्सिंग करेंगे जी? 5 मिनट मजीद मिक्सिंग करेंगे, उसके बाद वो सिंपल प्लॉडर से निकालेंगे। नो जी, आखिरी मरला प्लॉडर का शुरू हो जाता है। इसमें जो मेन चीज है ना, असल चीज है मिक्सिंग। जिस बंदे को मिक्सिंग का फलसफा समझ आ गया ना, वो मार नहीं खाता, फिर प्रोडक्ट अच्छी बनेगी अगर मिक्सिंग अच्छी हो जाए। मिक्सिंग में किसी भी सूरत में, प्रोसेसिंग में आपने किसी भी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करना। अच्छा ये कास्टिक लई इसके अंदर डालेंगे जी। बनी बनाई कास्टिक लई भी मिल जाती है, और अगर आप पतरी लें और फिर उसके अंदर पानी डाल के यूज करें तो वो भी मिल जाती है, वो भी यूज कर सकते हैं। कास्टिक लई को क्यों डालते हैं भाईजान? पहला तो पॉइंट ये है कि इसके अंदर क्योंकि हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, एसिड को जब बेस के साथ मिलाएंगे तो न्यूट्रल कर देगा। ये कास्टिक लई जो है ये बेस है, ये खतरनाक केमिकल है, इसको किसी भी सूरत में हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ये काफी खतरनाक केमिकल होते हैं। तकरीबन 1 किलो हमने कास्टिक लई का वेट कर लिया है, अब यही कास्टिक लई इसके अंदर डालेंगे ताकि एसिड का इसके साथ रिएक्शन हो जाए, और रिएक्शन होने के बाद ये मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल हो जाए। ये क्या डालें? खुशबू डाल रहे हैं। कितनी जी? 30 ग्राम। ये खुशबू कौन सी है? लेमन खुशबू है। 30 ग्राम लेमन खुशबू डाल देंगे इसके अंदर। ये भी कास्टिक लई के अंदर ही डाल देनी है? ठीक है जी, कास्टिक लई के अंदर ही खुशबू डाल के 3 ग्राम लेमन की खुशबू इसके अंदर हम ऐड करेंगे।
इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, खुशबू का लेके साथ रिएक्शन तो नहीं होता कोई? ठीक है, याद रखें खुशबू सबसे आखिर में डालनी है क्योंकि खुशबू उड़ जाती है। ऐसी है भाईजान, ताले जी खुशबू डालेंगे। तो डाल दी है खुशबू भी, अब बस ये मिक्सिंग कर ली है। अब फिर इसको इसी के अंदर डालेंगे, बंद कर दें बेटे, इसको बंद कर लें क्योंकि ताकि छींटे जो है ना आपके जिस्म पर बॉडी पर ना पड़े, क्योंकि ये केमिकल सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल है। इसको हाथ नहीं लगाना आपने। अच्छा, कास्टिक लेह को क्यों डालते हैं जी? इसको हार्ड करने के लिए, एक तो ये इसको हार्ड करता है और इसका क्या फायदा है? जल्दी कुछ करता है जी, ये कास्टिक लेह। अच्छा, कास्टिक लेह रिएक्शन एक को न्यूट्रल कर देता है, जल्दी खुश्क कर देता है, हाथ नहीं खराब होंगे, हाथों पे जलन नहीं होगी। ये कास्टिक लेह इसके अंदर डाल दी है, अब जल्दी होगा, जल्दी साबुन खुश्क हो जाएगा इससे, क्योंकि एवेपोरेशन इसकी होगी। ऑन करें भाई, मशीन को ऑन कर देंगे दोबारा से ताकि अब फिर ये मिक्स हो सके। मशीन को ऑन कर दिया गया है, अब इसकी मिक्सिंग जारी है जी। कितनी देर मिक्स करेंगे भाई? बिल्कुल 2-3 मिनट, बस 2-3 मिनट मिक्स करेंगे। मटेरियल तैयार है। कुछ लोग इसको थैले में भर के बेचते हैं, यानी कि शॉपर होते हैं, एक एक किलो के, आधा आधा किलो के, प्लॉटर से प्रोसेस किए बगैर ही इसको फरोख्त करते हैं। कुछ लोग इसको प्लॉटर में प्रोसेस करने के बाद बेचते हैं। आपकी मर्जी है, जिस तरह से चाहे इसको फरोख्त कर सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी का साबुन आपका तैयार हो गया है, इसके फौरन बाद इसको प्लॉटर से गुजारेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखे जी कितनी बेहतरीन फिनिशिंग के साथ बाहर निकलना शुरू हो गया जी। ये बेहतरीन क्वालिटी का बर्तन धोने वाला साबुन तैयार हो रहा है। थोड़ा थोड़ा माल इस मिक्सर से निकालते जाएंगे, प्लॉटर में डालते जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, ये कितनी बेहतरीन फिनिशिंग के साथ माल तैयार हो रहा है। डालते जाएं, निकालते जाएं प्लॉटर से, सारा का सारा माल इस तरह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये साबुन बहुत आला क्वालिटी का है, यानी कि इस तरह से इसको पीसीज में काट लेंगे। पीसीज में काटने के बाद सिंपल रैपर में पैक करेंगे। रैपर में पैकिंग के बाद मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। इस तरह से इसको साए में आपने खुश्क करना है, धूप में खुश्क नहीं करना, बल्कि ये साए में इस तरह से टिक्कियों को जोड़ जोड़ के रख देंगे। और ये माशाल्लाह सारा का सारा स्टॉक पहले से ही भाई ने बनाया हुआ है, ये तमाम स्टॉक अवेलेबल है। अगर आप बना बनाया साबुन खरीदना चाहें तब भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, तमाम स्टॉक ये अवेलेबल है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इन्होंने ये कारोबार स्टार्ट किया हुआ है, एक ही जगह पे 2 फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह पैकिंग कर रहे हैं लड़के, इन्होंने 4 से 5 बंदे रखे हुए हैं, बनाने वाले, पैकिंग करने वाले, बेचने वाले, टीम है पूरी प्रॉपर माशाल्लाह। ये आप देखें माशाल्लाह इस तरह से भरने के बाद, ये कंटिन्यू सीलर है। इस सीलर की कीमत आज के दिन 60,000 रुपये है। हर चीज़ इससे सील कर सकते हैं, सिंपल डालते जाएंगे, चाहे वाशिंग पाउडर हो, ज़ीरा हो, धनिया हो, कोई भी आइटम हो, पाउचेज में डालें, इस सीलर पे रखें, सील करेंगे जी। इसके स्पेयर पार्ट भी हर चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगी जी। ये माशाल्लाह देखें जी कितनी बेहतरीन फिनिशिंग है, माशाल्लाह साबुन तैयार हो चुका है। लो जी, कोई पहचान के बताए लोकल है या ब्रांडेड है? देखने में तो माशाल्लाह ओरिजिनल ब्रांड का साबुन लग रहे हैं। स्पीड के साथ इसकी सील करेंगे, माशाल्लाह ये साबुन बेहतरीन फिनिशिंग के साथ सील हो रहा है जी। बस आपकी टीम की ज़रा स्पीड तेज़ होनी चाहिए, मशीन में कमी कोई नहीं है। मशीन कहती है कि मुझे तो भाई माल दो। सील करने के बाद इस तरह से कॉटन में डालेंगे, टेप लगाएंगे, मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। लो जी, साबुन की फैक्ट्री लगाओ, वो भी बर्तन धोने वाले साबुन की। 5 साल की मेहनत के बाद फार्मूला, बेहतरीन फार्मूला शेयर किया है। अगर आप भी फैक्ट्री लगाना चाहें ज़रूर राबता करें, ये सारा का सारा भाई का स्टॉक अवेलेबल है। बनाने का तरीका और फार्मूला आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से एक एक चीज़ का, यानी कि 350 रुपये का 50 किलो का जो है ना बैग होता है इसका, और 25 किलो डालेंगे 175 रुपये का। इस तरह से सब चीज़ों की कीमतें आपके सामने कैलकुलेट कर ली गई हैं। कुल लागत जो आएगी 3325
रुपए के अंदर तकरीबन 45.5 किलो आपका मटेरियल तैयार हो जाएगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 1 किलो 73 रुपए का मटेरियल आपका तैयार होगा, तो 73 रुपए में 1 किलो माल तैयार हो जाएगा। 1 किलो में 125 ग्राम के 8 साबुन बनेंगे। 9.12 में 1 साबुन तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरह से कुल लागत जो है वो फी साबुन 125 ग्राम की 9 रुपए, एक कार्टन में क्योंकि 36 साबुन आते हैं तो 9 को 36 और जरब दे देंगे तो 324, एक कार्टन में 324 रुपए के साबुन रैपर 36 अदद रैपर, क्योंकि एक रैपर 1.3 रुपए का है, 47 रुपए के रैपर, खाली कार्टन 20 रुपए का, लेबर बिजली बिल्टी 30 रुपए की, टेप सोल्यूशन 2 रुपए, कुल लागत फी कार्टन 423 रुपए, होलसेल रेट 523 रुपए, रिटेल अगर डायरेक्ट दुकानदार को दे तो 570 रुपए। इस तरह से कम बचत फी कार्टन 100 रुपया। अगर रोजाना 100 कार्टन बनाए तो रोजाना बचत 100 को 100 से जरब दे 10,000 रुपए, और महाना बचत 4 दिन की छुट्टियां निकाल लें तो 2,60,000 रुपए। ये पूरा का पूरा फार्मूला हर चीज आपके साथ डिस्कस कर ली गई है जी। अब हम बात करते हैं अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहें तो आपके पास कितनी रकम होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ट्रेडमार्क करवाना होता है। ट्रेडमार्क क्या चीज है? वो नाम, वो मार्कर जो आपने मार्केट में बेचना है, जिस तरह ये विनर, ये ट्रेडमार्क है। इस तरह से आपका नाम ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा 15,000 रुपए में। इसके रजिस्टर्ड होने के बाद किसी किस्म की कोई टैक्स की या कोई और फीस नहीं होती। प्लॉटर 5 इंच का 3,40,000 रुपए, मिक्सर स्टील 72,000 रुपए, कटर 15,000 रुपए, 2 अदर डाई यानी कि 10 रुपए वाला साबुन और 20 वाला साबुन बनाएगी 20,000 रुपए, रैपर 5,000 साबुन के 15,000 रुपए, रॉ मटेरियल 30,000 रुपए। तो अगर 30,000 में ये देखना चाहें कितने साबुन बनेंगे तो 30,000 को आप 9 से तकसीम कर दें, अगर 10 से तकसीम करें तो खुद ही आप इससे अंदाजा लगा लें, क्योंकि एक साबुन 135 ग्राम का 9 रुपए का तैयार होता है। इस तरह से कुल लागत 5,07,000 रुपए। साबुन की फैक्ट्री बहुत लोग चला रहे हैं जो कि नहाने वाला साबुन है, लेकिन बर्तन धोने वाला साबुन चंद एक लोग ही बना रहे हैं। ये साबुन खवातीन की आइटम है, यानी कि घर में खवातीन इसको इस्तेमाल करती हैं और बहुत ज्यादा अच्छा है ये साबुन, यानी कि रिपीट सेल है इसकी। मैंने खुद पूरा सेटअप विजिट किया है, आपके सामने एक एक चीज दिखाई है, बताई है, समझाई है। अगर आप भी ये फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, मालूमात लेना चाह रहे हैं, मशवरा लेना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। याद रखें, लोग इसके बारे में ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, बस दुकान पे जाते हैं, भाई बर्तन धोने वाला साबुन दे दो, इसकी कंप्लेन नहीं है। अच्छी चीज अगर आप बनाना चाहेंगे बिल्कुल अच्छी से अच्छी चीज भी बनेगी, बशर्त यह कि आपको जो फार्मूला दिया जाए और जो प्रोसेसिंग बताया जाए उस पे अमल दरामद करें। चंद लोग इस कारोबार को कर रहे हैं, नहाने वाला साबुन बहुत से लोग बना रहे हैं। अगर आपके पास पहले से ही मशीनरी मौजूद है और आप बर्तन धोने वाला साबुन बनाना चाह रहे हैं, फार्मूले के लिए रब्ता कर सकते हैं। यह इरफान साइंस वाला बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे आप तशरीफ ला सकते हैं, फार्मूला समझा देंगे, प्रोसेसिंग बता देंगे, हर चीज प्रोडक्ट बना के आपके हाथ पे रख देंगे। अच्छी सेल है, अच्छी चीज है, सदाबहार है, सीजनल नहीं है। अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं जरूर रब्ता करें। फैक्ट्री लगाने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप भी मजीद मालूमात ले सकते हैं। वन विंडो ऑपरेशन है, रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, फार्मूला, बनाने का तरीका, बेचने का तरीका, हर चीज हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। इससे तफसीली वीडियो अभी तक डिश बार सोप पे मेरे चैनल पे आपको नजर नहीं आएगी, हर चीज बता दी है। फिर भी किसी का सवाल हो जरूर पूछें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान
इरफान साइंस वालों को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।